देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमने सेटअप बनाया है। देख रहे हो दोस्तों कितनी मस्त बनी है पनीर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग एक नई कैंपिंग लोकेशन में आए हैं, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा काफ़ी टाइम से लगभग एक महीना हो चुका है कि कोई भी व्लॉग नहीं आया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मेरे बेटे का बर्थडे था और थोड़ी और भी इमरजेंसी थी, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे और हम लोग कहीं शूट पे नहीं जा पाए। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से आपको हर वीक एक नया व्लॉग देखने को मिलेगा कैंपिंग का। दोस्तों अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन यहाँ की बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ऊँची ऊँची पहाड़ आपको देखने को मिलेगी। और आज का वेदर की बात करें तो वेदर तो बहुत ही अच्छा है, इसमें हल्की सी धूप निकली हुई है और सुबह आज बारिश भी हो रही थी। हमने सोचा था आज रेन कैंपिंग हमें करनी पड़ेगी, बट कुछ नहीं होता, जो होता अच्छे के लिए होता है। रेन कैंपिंग ना सही तो आप पीछे देख सकते हैं हमारी कार सेटअप कर रहे हैं। आज हम कार कैंपिंग करने वाले, एक नया एडवेंचर, एक नई चीज़ जो आज तक ट्राई नहीं की। पीछे आप देख सकते हैं कि छोटी सी झील भी है हमारे पीछे और वेदर तो बहुत ही अच्छा है इस लोकेशन का। चलिए आपको कुछ और भी नज़ारे दिखाते हैं यहाँ के कैंपिंग के अच्छे अच्छे जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं हमारे नीचे गाड़ी खड़ी है। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे, अधिकतर स्पोर्ट्स बाइक जाती रहती है। और यहाँ पे एक छोटी सी झील है जो कि बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे अगर आपको ऑफ रोडिंग जीप वगैरह अगर आप लाते हैं, थार वगैरह आपके पास है, यहाँ से आप ले जाके भी ऊपर का भी व्यू देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा यहाँ पर। चलिए अपनी कार कैंपिंग स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पर हमारा बैग है, कैंपिंग का पूरा सेटअप कर रहे हैं अभी। अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हम कैंपिंग करने वाले हैं कार कैंपिंग। तो वैसे तो हमने पहले कभी कार कैंपिंग नहीं करी, बट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेट्स सी कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। और अभी हम लोग क्या करने वाले, जो आगे की ये जो पीछे की दोनों सीटें होती हैं इनको अभी हम गिरा देंगे और यहाँ पर बढ़िया सा बिस्तर बिछा करके इस पर हम अपना कैंपिंग का सारा सेटअप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हवा बहुत तेज़ चल रही है तो हमने इसी के साइज़ का, देखिए इसी के साइज़ का ये अंदर पूरा चूल्हा अपना सेट हो गया इसी के साइज़ का। इसके ऊपर अपना मस्त कुकिंग सेट आ जाएगा। और यहाँ पे आप ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या है, अपना ऐसे सिलेंडर करके घुस जाएगा। तो इससे क्या है, ऊपर बर्तन रहेगा तो ऊपर की फ्लेम से खाना भी पक जाएगा और ऊपर हवा से ये रोकी भी रहेगा ऊपर की लेयर से। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला साइड का एरिया, ये इसलिए बनाया हमने, यहाँ पे हम अपना कुकिंग सेट रखेंगे ना, तो यहाँ पे हैंडल उसका होगा पकड़ने के लिए और यहाँ पे अपना पूरा पतीला चलाएगा। ये बाउंड्री बना दी है ताकि थोड़ा हवा रुकी रहेगी अब, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वक्त। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम टमाटर अपने काट लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर। आप जानते हैं नवरात्रि चल रही है, हम लोग प्याज तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम आज टमाटर की ग्रेवी से बनाएंगे शाही पनीर और देखते हैं कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स हमने अपने टमाटर काट लिए हैं, तो चलिए अब हरी मिर्ची भी काट लेते हैं साथ में। थोड़ा स्पाइसी पसंद है ना, तो उसे थोड़ा तीखा बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है हम पनीर बनाने जा रहे हैं, तो अब हमारा पनीर रह गया है, तो चलिए पनीर को भी अच्छे से धो लिया है, अब हम इसको काट लेते हैं। दोस्तों हमने सारी सब्जियां काट ली हैं, पनीर कट गया इधर, अपना टमाटर कट गया, हमने हरी मिर्ची काट ली है। चलिए अब जल्दी से शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं।
तो अभी हमने गैस पे चढ़ा दिया है अपना भगोना। अब डालते हैं सबसे पहले इसमें तेल। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं खड़े मसाले। अब हमारा ये थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक। हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए हमने ऐसा सेटअप बनाया है, चारों तरफ हमने ये बाउंड्री सी बना दी है। अब देखिए ये भी गर्म हो चुका है, पक चुका है। चलिए अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। अब हमने देख सकते हैं थोड़ा सा गड्ढा और करा है, यहाँ से हवा पास नहीं हो रही थी इस वाली साइड से, तो हमने यहाँ से हवा पास होने के लिए यहाँ पे भी थोड़ा होल सा कर दिया ताकि हवा पास होती रहे और जल्दी से पक जाए खाना। और अब लेवल भी देखिए बहुत अच्छा, कितना बढ़िया ये इस स्टोव को बनाया है। इसको बनाने में हमें ज़्यादा समय तो नहीं लगा। अब हम टमाटर को जल्दी से फ्राई होने देंगे, तो इसमें इसको गलाने के लिए जल्दी से हम इसमें ऐड कर देते हैं पहले नमक, ताकि जल्दी से गल जाए कम टाइम पे। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून नमक। अब हम क्या करते हैं इसको ना जल्दी से, एक काम करते हैं थाली से ढक देते हैं ताकि जल्दी से गल जाए टमाटर हमारा। टमाटर की प्यूरी जितनी अच्छी बनेगी उतना ही अच्छा आपका शाही पनीर बनेगा, ये याद रखना। अब हम नवरात्रि में बना रहे हैं, नवरात्रि में कैंपिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं माता दुर्गा का अपनी नवरात्रि चल रही है, उसमें हम नहीं कर सकते प्याज लहसुन का उपयोग, तो इसलिए हम सिर्फ टमाटर की ग्रेवी में बना के दिखाएंगे आपको शाही पनीर। अब इसको प्लेट ढक देते हैं और थोड़ा सा इसको खोल के रखेंगे ताकि हवा पास होती रहे, और फिर वेट करते हैं। अब देखते हैं 5 मिनट बाद कि कैसा है। जितनी देर में हमारा टमाटर फ्राई हो रही है, तो फ्रेंड हम लोग क्या करें खीरा काट लेते हैं। देखो खीरा काट रहे इस तरीके से, है ना, मस्त लग रहा है एकदम। तो सलाद के लिए खीरा भी तो ज़रूरी है। टमाटर प्याज प्याज का उपयोग नहीं कर सकते नवरात्रि में, प्याज का उपयोग नहीं कर सकते, तो क्या हुआ खीरा और सलाद में अपना टमाटर तो खा सकते हैं बढ़िया से। तो इस तरीके से देखो काट लिया है। 5 मिनट्स लेटर चलिए एक बार अब हटा के देख लेते हैं अपना टमाटर गला या नहीं। ऑलमोस्ट ये गल चुका है, 70% तो ये गल चुका है टमाटर। थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के, ताकि और अच्छे से ये पानी छोड़ दे और पक जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग मसाले। 2 मिनट बाद हमारे टमाटर पूरे गल चुके हैं, पूरे गल गए हैं। तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर, 2 चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर इसमें। अब इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे क्योंकि हरी मिर्ची भी डाली है तो इसलिए हम थोड़ा सा डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला क्योंकि पहले हम मसालों को अच्छे से गलाएंगे, फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे ग्रेवी बढ़ाने के लिए। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला भी डाल रहे हैं, देख सकते हैं ग्रेवी कितनी मस्त बनी अपनी। अब साथ ही में इसमें हम हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। हरी मिर्ची के बिना जैसे कि आप जानते हैं स्वाद तो बिल्कुल मज़ेदार नहीं होता। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो हरी मिर्ची तो बहुत ज़रूरी है।
देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी मस्त बनी है। देखिए जूम करके दिखाते हैं थोड़ा, कितनी बढ़िया है ना, मज़ा आने वाला है ना। तो अब हम इसमें जा रहे हैं ऐड करने अपनी पनीर। हम लोग चावल के साथ खाएंगे तो इसको हल्की सी ग्रेवी रखेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कितना मस्त बन चुकी है ग्रेवी। अभी हम इसमें डाला है मैगी मसाला भी ऐड कर दिया है हमने इसमें, और इसको फिर अब चला रहे हैं। देख रहे हो कितनी मस्त बनी है ग्रेवी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, एक तरफ लाल और एक तरफ येलो, मस्त ग्रेवी बनी है अपनी। देखिए कितनी बेहतरीन पनीर लग रही है हमारी। ये पनीर बन चुकी है, अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कद्दूकश करेंगे पनीर। हमने चूल्हे से हटा दी है अपनी शाही पनीर को, तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। अब हम इसको शाही पनीर बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं होटल ढाबे में जैसे आपने खाई होगी, तो वो लोग ऐसे कद्दूकस करते हैं पनीर को थोड़ा, तो हम भी कद्दूकस करेंगे। शाही पनीर कितनी मस्त बनी है, लग रही है ना एकदम स्वादिष्ट होटल जैसी, तो आज मज़ा ही आने वाला है। चलिए अब जल्दी से चावल बना लेते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं चावल, तो चलिए पहले चावल डाल लेते हैं। थोड़ा डाल देते हैं। हाँ ठीक है, बस बस बस, पहले जल्दी से हम चावल धो लेते हैं अच्छे से। चावल अच्छे से धो लिए, अब इसमें पानी ऐड करते हैं चावल में चढ़ाने के लिए। Five minutes later. देखिए चावल कितने बढ़िया बन गए हैं, बन रहे हैं बहुत मस्त बन रहे हैं, एकदम लंबे लंबे खिले खिले चावल हैं। अभी ये थोड़ा जले ना, इसलिए हम इसमें पानी ही डालेंगे। दोस्तों देख लीजिए हमारा मस्त चावल भी बन चुका है, तो हमारी मस्त शाही पनीर और राइस रेडी है। यहाँ पे हमने सैलेड काट लिया है, तो चलिए जल्दी से खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। देख रहे हो दोस्तों कितनी मस्त बनी है पनीर, लग रही है लाजवाब, देखने में तो लाजवाब है। चलिए अब खा के बताते हैं आपको कैसा है टेस्ट, कितनी मस्त बनी हमारी शाही पनीर बिना प्याज लहसुन। सच में बहुत ही लाजवाब बनी है, बिना प्याज के पहली बार बनाई है, पता नहीं था कि इतनी बढ़िया भी बन सकती है पनीर। नवरात्रि स्पेशल शाही पनीर एकदम लाजवाब, फर्स्ट टाइम कैंपिंग में, वो भी कार कैंपिंग में। चलिए दोस्तों जल्दी से अपना लंच फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने फाइनली अपना लंच कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। और अगर टेस्ट की बात करें, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था हमारा पनीर, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि पेट भर गया पूरा फुल। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कार कैंपिंग फर्स्ट टाइम जो हमने की अपने चैनल पे, वो अच्छी लगी होगी। तो अगर इसी तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आती है कार कैंपिंग की, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट भी जो लोकेशन पे जाए वो कार कैंपिंग ही करेंगे। और इस तरीके का अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो हमारा कार कैंपिंग का, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल पे। जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवाइए। आप वीडियो देख के तो चले आते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी ये वीडियो कंटेंट सब कुछ अच्छा लगा हो, और अगर हमें कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए, तो हमें प्लीज़ बताइए, ताकि हम
आगे करें। और डे कैंपिंग हमने की है, नाइट में यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि थोड़ा बारिश भी हो गई है, तो यहाँ पे रुकना भी थोड़ा सही नहीं है क्योंकि हम गाड़ी से कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह फंस जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि सुनसान इलाका है, पहाड़ों के बीच में आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है अगर गाड़ी से अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Yeah.